और हैदराबादी बिरयानी हुई पुरानी, अब आ गई डोसा, वड़ा और इडली सांभर की बारी। चावल के आटे से बने साउथ इंडिया के ये मजे मजे के खाने। तो यहीं से फील आना शुरू हुई है केरला की। अरे वाह 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 वाह, और नीचे गिरने लग जाएगा। उंगलियां चाटने वाला जो मिसाल सुनी हुई थी, फर्स्ट टाइम देखिए, वाओ, एक से बढ़ के। भाई आज की इस वीडियो में तो खाना देख के ना, इनके जितना स्वादिष्ट खाना लग रहा था, जितने यू नो फ्लेवर सामने पड़े थे, मुंह में तो पानी डाले टपक रही थी। साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांभर, ये चीजें एंड दैट वन इज द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। हमें सुकून ही ना मिल रहा था, हम कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ। तो क्या खाना बनाते हैं वो, इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। और ये पत्ते की जो वाइब है ना, ये जो पत्ते की एक फ्रेशनेस सी लग रही है, हर चीज का टेस्ट जो है बड़ी ऑथेंटिक ट्रेडिशनल, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उनको अपना वेजिटेरियन टोटली विगन खाना खिलाया है, इतने इंप्रेस हो गए। आई थिंक सो कि इंडिया में ज़्यादातर है भी विगन्स है, बहुत कम है जो मीट ईटर्स हैं या नॉन वेजिटेरियंस अगर हम लोग कहें वो हैं। तो जब विगन खाना इतना अच्छा है तो सोचें कि नॉन वेज के साथ, स्पाइस के साथ जिस तरह से उनका फ्यूजन किया जाता है, जिस तरह से खेला जाता है, और एक टेस्ट रिच कंट्री इंडिया है, तो ये एक बड़ी यूनिक चीज थी जो हमने देखी। और पानी पूरी, गोल गप्पे, इसमें तो इंडिया नंबर वन है। देखिए सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, और मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह भारत घूमने आया पाकिस्तानी, मुंबई में साउथ इंडियन फूड खाने के बाद उंगलियां चाटता रह गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर मुंबई के एक साउथ इंडियन ढाबे में गया और वहां उसने खाना ऑर्डर किया। केले के पत्ते पर उसे वेजिटेरियन खाना परोसा गया और जब उसने खाना खाया तो खाना खाने के बाद वो अपनी उंगलियां चाटने लगा। दोस्तों भारतीय खाने का क्रेज पूरी दुनिया में है और भारतीय व्यंजनों जितनी वैरायटी शायद ही आपको दुनिया में कहीं देखने को मिलेगी। चाहे बात वेजिटेरियन खाने की हो या नॉन वेज की, स्वाद के मामले में भारत को टक्कर दे पाना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए बाहर देशों से आने वाले विदेशी भारतीय खाना खाकर उसके दीवाने हो जाते हैं। तो आज भारत के व्यंजनों पर पाकिस्तानियों की क्या राय है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्रेजेंटेशन में माइंड ब्लोइंग यार, मजा आ गया। देख के ही कहते कि देख के ही पैसे पूरे हो गए। अब खाते हैं तो भाई हाथों से खाने की भी इतनी आदत नहीं है, और तो हाथों से खाना बहुत अच्छा होता है और जायका अलग आता है। तो ये देखें ऐसा बनाया है मैंने हाथों से, ट्राई करते हैं। कोकोनट का यार वो एक एकदम कोकोनट का हल्का सा टेस्ट आता है, और ये पत्ते की जो वाइब है ना, ये जो पत्ते की एक फ्रेशनेस सी लग रही है, हर चीज़ का टेस्ट जो है बड़े ऑथेंटिक ट्रेडिशनल। यार इसने, इस चटनी ने तो मज़ा दुबला कर दिया, और हर चीज़ का इतना डिफरेंट जायका आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊँ। ये देखने में कड़ी जैसी लग रही है, और इसका जायका हल्का हल्का दही कड़ी वाला आ रहा है इसका, ज़बरदस्त। इसको भी थोड़ा सा लेके यहाँ रखें और मिक्स करके चावलों के साथ आप अपना एक अपनी क्वांटिटी, कौन सी चीज़ कितनी मिलानी है वो करके, यूं करके पकड़ते ही पता लग रहा है कि हैवी चीज़ पकड़ ली है। ये खाएं तो अब मैं बेसिकली ये और ये मिक्स करके खा रहा हूँ। अनबिलीवेबल यार, ये चीज़ें हम देखते थे टीवी में, मूवीज़ में, इस तरह थाली सी होती है पत्ते पे रख के खा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम ये खा रहा हूँ और वाह यार मज़ा आ गया। मतलब सुपर, आप ये नहीं कह सकते खाना, मैं कहती हूँ कि जिस कंट्री का खाना ट्रेडिशनल होना और वो अपना खाना सर्व करें ऐसे लोगों को जो बाहर से आए और अपनी कंट्री को बहुत साल बाद विजिट कर रहे हो, तो वो खाना खाने के बाद कौन नहीं फैन होगा आपका। एंड इंडिया की तो वैसे भी फैन फॉलोइंग हमें नजर आई है कि इंडिया पूरा साल ट्रेंडिंग पे रहा है, ट्रेंडिंग में रहा है, अब फूड के मामले में भी ट्रेंडिंग पे जाने वाला, दैट इज अ वेरी गुड थिंग उनके लिए है। इंडिया के मसाले बड़े फेमस हैं यार। एग्जैक्टली, देखिए उनके मसाले, उनके खाने, उनके हर एक चीज, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांभर, ये चीजें एंड दैट वन इज द चावल, उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ।
हमें सुकून ही ना मिल रहा था, हम कहते कुकिंग चैनल भी देखो, तो मैं उनका कुकिंग चैनल देखती हूँ तो क्या खाना बनाते हैं वो, कह लें कि केले के पत्ते होते हैं ट्रेडिशन है, उनको उस पर रख के दिए जाते हैं स्पेशली, एंड जब आप कह रहे क्योंकि साउथ फूड दिया गया है तो डेफिनेटली आप खुद देखें कि साउथ का कल्चर कैसे प्रमोट हुआ है वहाँ पर, तो हमने, मुझे लगता है कि हमने अपने मुल्क से ज़्यादा हमने उनको देखा है, क्योंकि हमें बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने अपने मुल्क में कभी अपने अपने कल्चर को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे होते हुए भी नहीं देखा। भाई हम इंडिया का कल्चर फॉलो करते हैं, अब हमारा कोई शादी ब्याह का त्यौहार आ जाए हम कहते हैं भाई साड़ी पहनेंगे तो इंडियन, लहंगा पहनेंगे तो इंडियन, और स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, आप लिबर्टी मार्केट में चले जाएँ, आप रंग महल वाली साइड पर चले जाएँ, आप अनारकली वाली साइड पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको बाकायदा इंडियन लहंगे और इंडियन साड़ियाँ मिलती हैं। और अगर हम माइयों मेहंदी की बात करें तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है, ये हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सब कॉन्टिनेंट में हम लोग साथ रहते थे तो वो चीज़ें हमारे साथ आई हैं क्योंकि हमारे बाबूजदाद उनको यूज थे उन चीज़ों के, अगर लेकिन अब की बात की जाए ना उनकी ये चीज़ें तो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो करने वाली वो हम फॉलो नहीं करते, वो नहीं करते, वो ना हमने करनी है। नहीं वो हम नहीं कर रहे, अब हमें उनसे सीखना चाहिए। देखें आज मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रेंडिंग पर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को विजिट किया है, चांद से कभी चांद, चांद से सूरज, मैं तो कहती हूँ रास्ते हमें नहीं समझ आ रही किधर जा रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं कौन सी खबर को कवर करें पहले। सबसे पहले तो मैं अपनी बी केयरिंग बी लविंग वाइफ को आई लव यू बोलूँगा, उसने लास्ट टाइम रिसेंटली कहा था झगड़ा लड़ाई फसाद, उसने कहा मुझे आपने मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मेरे पे जो खर्चा किया था उसका आपने बता दिया कि मैंने ये खर्चा किया और कितना प्यार करती हूँ ये आपने नहीं मुझे बताया। आप ये आई लव यू कहने के लिए पूरे बाजार ढूंढते ढूंढते और क्या, मैं तो ढूंढ रहा था, मेरे पास नंबर ही नहीं था आपका, नंबर होता तो मैं को कॉल कर लेता। ये देख ले विमेन पावर। फिर और फिर मैंने सॉरी बोली, रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम जब अगर वो मुझे मिली तो मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को ना आई लव यू बोलूँगा, ठीक है। अल्लाह ऐसी अच्छी नेक बीवी सालिया बीवी हर किसी को दे, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह। अपनी वाइफ को कह रहा हूँ। और बाकी पाकिस्तानी फूड, मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है, उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए, ठीक है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएँ तो आपको 25 रुपए का 30 रुपए का मिलेगा, और विद बटर के साथ, अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है वो अपने हर खाने में यूज़ करते हैं, वो इतनी बड़ी टिक्की डाल देते हैं। आजकल आपने देखा है वो मेन मार्केट में अपने जो भाई साहब हैं जिला चस्का हाउस हैं, वो बस कर दे जिलिया वो एक टिक्की डाल देता है और कसम से वो डेढ़ घंटे की वीडियो बनाता है, बस कर दे जिलिया नियम अबता और जिलिया नियम अबता, ये मतलब के वो ये कहता है कि ये अवाम का पैसा है लेकिन अवाम से वो डबल करके लेता है। खाना बहुत महंगा है, खाना उसका बहुत महंगा है, जितना का वो बताता है, जितने वो उसकी क्वालिटीज़ बताता है कि इसमें मक्खन डाला, देसी घी डाला, बादाम डाले, अखरोट डाले, ये डाला वो डाला, लेकिन उस हिसाब से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है।